तो बाजार भी पूरा ऐसा सज गया राखियों राखियों से। खरीदी तो मिठाई की तो बनानी पड़ेगी। ये दे दे, थैंक यू बोल भाई। अब थोड़ी देर में पता क्या होने वाला है कि वापस कर मेरा गिफ्ट। वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब लोग भी मस्त और बिल्कुल ठीक है। तो जो एक एनर्जी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 9:15 और मतलब क्या हो जाता है ना कि जब सुबह सुबह आप जैसे उठते हो और जल्दी आपका काम निपट जाए और पूरा नहाना धोना सब कुछ हो जाए तो एक एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। बजरी है 9:15 और यहाँ पे हमारे ये नन्हे मुन्ने जी, आज इनका पीटीएम है तो ये अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे। तो अभी मुँह हाथ धुल के ये पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बोल के कि तब नहाऊँगा। और मैंने भी ला रखा अपने लिए, तो आज हमने ना आलू के गुटके बनाए हैं, इसके फेवरेट स्पाइसी आलू, तो आज वही बनाए हैं। तो माई के टिफ़िन में भी वही गए, तो बस अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो मैं भाई के लिए रुक रही थी, उसके लिए लगा रखा है, वो अभी नहाने जा रखा, मैंने कहा आ जाएगा तो ब्रेकफास्ट कर लेगा और मैं भी जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेने। अब चलते हैं किचन में और अपने लिए भी ब्रेकफास्ट ले के आ जाती हूँ। मैं हो गई हूँ बिल्कुल विवान के पेरेंट्स मीटिंग के लिए तैयार, और विवान नहीं आ रहा क्योंकि वो जो क्लास टीचर है विवान की, विवान उनसे बहुत डरता है और तो बोलता मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि क्या पता आपने वहाँ पे मेरी कंप्लेन कर दी। मैंने कहा नहीं करूँगी तो चल ले, कह रहा नहीं। जबकि वो नर्सरी में था तो वो हर दिन जाता था मेरे साथ पेरेंट्स मीटिंग में, लेकिन LKG में बहुत कम जाता ही नहीं है, डरता है मैडम से। तो मैंने कहा चल तू घर पे रह ले मामा के साथ, मैं घूम के आ जाती हूँ। तो बस अभी निकल रही हूँ और एक दो काम और भी हैं उनको भी निपटा के आ जाती हूँ। ये है कि मेरी बेटी ने अपने स्कूल के बैग की चेन तोड़ दी है, कह रही है कि उसको ना नया बैग चाहिए। तो मैंने कहा बेटा सिर्फ चेन, एक चेन निकल रखी है तो उसके लिए क्यों बेफालतू में 400-500 रुपये खर्च करें, तो इसकी चेन भी बनवानी। तो तैयार रेडी तो हो गए हम, लेकिन परफ्यूम नहीं लगाया, तो परफ्यूम लगा लेते। ये परफ्यूम मैं तब लगा दे जब छोटा मोटा इधर ही जाना होता है, क्योंकि जब मैं सफ़र करती तब तो मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे परफ्यूम की स्मेल से गाड़ी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है। हाँ जब मेरे को इधर ही मार्केट जाना है या कहीं पेरेंट्स मीटिंग में जाना है बेटी के या विवान के, तब लेके जाती हूँ, लगा के जाती हूँ। तो चलो अभी परफ्यूम लग गया और अब निकल रही हूँ मैं। अपना ना पिंक कलर का सूट पहना, तो मेरे पास पटियाला सूट बहुत है, लेकिन अब ये क्या मेरे को यहाँ पे ये चुभन सी हो रही है इसमें, तो बस अभी थोड़ी देर के लिए पहनूंगी फिर आके इसको चेंज कर दूंगी, लेकिन ये कि अच्छा लगता है तो मैं पहन लेती हूँ। बार पूछ रही हूँ आएगा आएगा पेरेंट्स मीटिंग में ना? क्यों नीचे तो आ, क्यों नहीं आना, डर लगता है? ठीक है मामा के साथ रहना, ठीक है चलो। आज तो इतनी अच्छी धूप खिल रखी भाई, बहुत अच्छी, ऐसी धूप चाहिए, अब बारिश नहीं चाहिए हमको। आगे ये देखो, हाँ खिलौने दिलाने मत बोलना भाई। तो राखियाँ लेने आ रखे हैं देखो, और अब तो बाजार भी पूरा ऐसा सज गया राखियों राखियों से। ये देखो कौन सी ले रही सुबह, खरीदी तो मिठाई की तो बनानी पड़ेगी। मैंने बोला था ना कि चल ले, बोला था ना मैंने खिलौने के, देख मैं तेरे ये चॉकलेट लाई, मिठाई लेके आ गई, क्योंकि विवान की परसेंटेज बहुत अच्छी आई है ना, 94%। खिलौना लाना, खिलौने के लिए तुझे खुद चलना पड़ेगा। कर लेते हैं चेंज क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, उमस भी हो रही है, तो सूट चेंज करके अपने नए अवतार में आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, और अभी आज है नेक्स्ट डे, तो कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि फिर काम में फंस गई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो वैसे तो रक्षाबंधन कल था, लेकिन कल फिर मुहूर्त नहीं था, भद्रा लगी हुई थी तो उसके वजह से कल रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। और जो शुभ मुहूर्त था वो रात में था, तो रात में तो वैसे भी राखियाँ नहीं बांधते, तो नेक्स्ट डे है तो ये था कि आप सुबह में बांध सकते हो। तो हम लोग बस रेडी हो चुके हैं, नहा धो के पूरा काम निपटा के हम नहा गए, बच्चे भी नहा गए। तो अभी अब जल्दी से अपनी राखी की तैयारी करते हैं और मैं भी
ये सूट मैंने मतलब अपने गांव के मेले में पहना था जून में, और उसके बाद 2 महीने बाद पहन रही हूँ मैं ये। ये है क्या बोलते हैं इसको, नायरा, हाँ नायरा सूट पहनते, तो मैंने सोचा राखी पे पहना जाए। ये वैसे रानी कलर है तो मैंने पहना, और विवाह ने कुर्ता सलवार माही दिखा, और माही ने भी अपना ये प्लाजो ये पहना है, देखो ये देखो, तो माही भी रेडी हो गई है और मैं भी मतलब आधा रेडी हो गई हूँ। अभी चूड़ियाँ डालनी है, नई चूड़ियाँ डालती हूँ और रेडी होती जल्दी से, और आपको तब मिलते हैं। चूड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, इतनी यहाँ रखी है और अंदर भी रखी है कुछ डब्बों में, तो अभी इसे मैं सोच रही हूँ कि मेहरून कलर की चूड़ियाँ निकालती हूँ, और या तो फिर ये कुछ थी ऐसी इसी सूट के साथ की, तो देखते हैं कौन से पहनते हैं, पहले निकाल लेते हैं। हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और इस बार गोल्ड की ज्वेलरी ना पहन के सिल्वर की ज्वेलरी पहनी जा रही है, गले में कान में तो गोल्ड के या चूड़ियाँ ये मेहरून कलर की डाल दी चार चार, और बिल्कुल हो गए हैं रेडी हम। तो अभी चलो चलते हैं और जल्दी से राखी बांधते, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं करा सबने, और इसको तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही। खड़ा हो जा, दिखा दे एक बार कैसा लग रहा, हो जा बोरा, मैं फोटो खींचूँगा, 2-4 खींचूँगा बस। चलो चलो बांधते हैं, हो गए हम रेडी रक्षाबंधन के लिए, और अभी बांधते हैं। तो सबसे पहले मैं बांधूंगी अपने भाई को, फिर उसके बाद माँ ही बांधेगी अपने भाई को। तो हो गए भाई रेडी, और ये अंधेरा आ रहा है यार, और मेरे भाई को देख लो, अभी सुबह से ट्राउजर टी शर्ट में था, अब देखो जरा कैसे हीरो बन गया। उसने बोला जब ये सब हीरो बन रहे तो मैं भी बन जाऊँ। इधर बैठ जा, इधर सामने बैठ, एक बार देखो है सुंदर लग रहा है, नज़र ना लगे तो देखो। स्टार्ट करते हैं, तो पहले कौन बांधेगा, पहले मैं बांध लेती हूँ, ठीक है भाई, फिर तू बांध। कोई बात नहीं, हम साफ कर लेंगे। ले देखो, हाथ जोड़ो, बोलना भगवान जी मेरी बहन को हमेशा अच्छा रखना, पढ़ाई में तेज रखना, बोलो, और मैं इसकी रक्षा हमेशा करूंगा, हर मुसीबत से बचाऊंगा, बोलना मैं इसकी रक्षा हमेशा करूंगा, हर मुसीबत से बचाऊंगा, बचा के रखना। आज तू भी बोल, तू भी बोल रहे भगवान जी मेरे भाई कामयाब बने, बोल खुश रहे, सबकी मदद करे, थोड़ा सा पीछे रखा आंख में, मदद चल टीका लगा उसके। अरे बेटा ऐसे 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 पकड़, ऐसे पकड़ते हैं मेरी बेटी को टीका लगा, बेटा इधर आ, हाथ जोड़ो, क्यों बेटा तेरे को टीका, हाँ अब उसको राखी बांध, वो थाली इधर रख ले, गिराना मत भाई, ये बांध, कौन सी राखी पहननी तुझे वो चूज करेगा बता, ये वाली पहन माई बीबू, बाजू ऊपर कर रहे थोड़ा, हाँ जैसी बांध देता मैं बांधूंगी बस, ज़्यादा नहीं। अब उसको मिठाई खिला भाई, छोटा सा पीस खिला दे, ये कौन सा खाएगा कितना बड़ा, इधर देखो अब क्या दे रहा तुझे ऐसे गिफ्ट, मामा ने तो मुझे पैसे दे दिए, अब तू क्या दे रहा है, ये ले ये दे दे, थैंक यू बोल भाई, अब थोड़ी देर में पता क्या होने वाला है कि वापस कर वापस कर मेरा गिफ्ट। चलो अब रक्षाबंधन खत्म, चलो हमने बांध लिया, अब जा रहे हैं हम छत में फोटो खींचने की, थोड़ा बहुत कपड़े पहने हैं तो फोटो खींच लेते हैं सबके सब, तो अभी पहले फोटो शूट करते हैं। फोटो सेशन हो गया, इतना तो नहीं खींच पाए छत पे क्योंकि धूप हो रखी, तो अभी बनाते हैं ब्रेकफास्ट और सबको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, तो ब्रेकफास्ट में बनाएंगे हम आज पूरी, तो चलो अभी चलते हैं पूरी बनाते हैं। खोल दिया और विवान लगा, खा लो तुम, दाने देना ना पूरा, साबुत क्यों दे रही है, तो इसने तो अपना गिफ्ट खुश है, उससे बोल रही थी कि क्या देगा मुझे, क्या देगा, देख उसने दे दिया ना, खुश है ये दे। चलो भाई जी, रक्षाबंधन हो गया ख़त्म, और जैसे कि अच्छे से मनाया हम लोगों ने, और वैसे मेरे 2 भाई हैं
जो मुझसे बड़े भाई हैं वो गांव में रहते, तो मैंने उनके लिए राखी गांव में पहुंचा दी थी, 4 दिन पहले पहुंच चुकी थी राखी। और जो मेरे से छोटा है वो मेरे साथ रहता है, तो हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, तो मतलब उसको यही बांध दिया था और काफ़ी अमेजिंग था, काफ़ी अच्छा रहा। 2 साल से तो बहुत अच्छा रहा कि मैं अपने भाइयों के हाथ पे बांध रही, नहीं तो ये होता था हस्बैंड के साथ रहती थी तो पोस्ट ऑफिस से भिजवाती थी, और हमेशा मेरे को बड़ा ख़राब लगता था कि मैं अपने भाइयों को राखी मतलब कब पहनाऊँगी हाथ में, शादी के बाद पहना ही नहीं पाई। तो चलो वो विश भी पूरी हो गई है, तो बस आज के लिए इतना ही है गाइस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो खासकर मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक बाय, अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए किसी न किसी वजह से।